अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आबिद सुहेल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस में। आप लोगों के लिए कोर्स जिसके रिकॉर्ड लेक्चर आपको मिलेंगे वो है डेटाबेस सिस्टम, और इस सीरीज का पहला लेक्चर है। ये कोर्स BScS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए तीनों में ऑफर हो रहा है, और तीनों के लिए ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। इन लेक्चर्स में आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो जो आपकी क्यूरीज हैं वो आपको आंसर आउट करेंगे। तो डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और आप लेकिन आपने इन कॉन्टेंट्स को जो यहाँ पर मैं लेक्चर में दूंगा इनको फॉलो करना है। तो मैं सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। डेटाबेस क्या है और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं और डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ये जो कोर्स है इस कोर्स का एम क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, आपने पहला पॉइंट लिखा हुआ है डेटाबेस मॉडलिंग। अब डेटाबेस मॉडलिंग से क्या मतलब आपका बच्चों? डेटाबेस आप जब भी बनाते हैं किसी एक एंटरप्राइज के लिए बनाते हैं। एंटरप्राइज का क्या मतलब है? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन नीड्स होती हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उनको डेटाबेस बना के देते हैं। तो डेटाबेस बनाने से पहले आप डेटा मॉडल करते हैं। ये जो मॉडलिंग है इसको हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे कि आप किस तरीके से एक इंटरप्राइज, फॉर इंस्टेंस इंटरप्राइज आपके पास कोई बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई भी एक यूनिवर्सिटी है, कोई एक टेक्सटाइल मिल है, वो अपने ऑपरेशंस को, उनके रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शंस को स्टोर करने के लिए डेटाबेस आपसे बनवाते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ कवर करेंगे वो डेटाबेस की मॉडलिंग, और उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट। जब आप मॉडल कर लेते हैं तो फिर आप उसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद फिर आप उसे डिप्लॉय करेंगे। अब डिप्लॉय के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको कोई भी DBMS चाहिए। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस कोर्स के अंदर हम लोग जो लैब में आप लोगों को करवाएंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं, इसमें से आप कोई भी वर्जन जो कि बहुत रिसेंट वर्जन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के बाद ओपन सोर्स डेटाबेस अवेलेबल है, कुछ सेक्शंस को वो भी करवाया जाएगा डिपेंडिंग ऑन टीचर जो कि टीचर आपको कराएगा MySQL। बेटा मॉडलिंग सबके लिए एक है, डिप्लॉयमेंट फिर आप अपने कंसर्न जो भी आपके लैब में कराया जाएगा DBMS उस पर आप करेंगे। इस कोर्स के लिए आपको दो मेरी तरफ से रिकमेंडेड बुक हैं। वैसे तो लेक्चर स्लाइड्स और इन लेक्चर से आपके बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट कवर हो जाएंगे, लेकिन बच्चों आप लोगों को डेटाबेस की मॉडलिंग और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स को या ये रेफरेंस बुक्स हैं इनको कंसर्न करना पड़ेगा, ताकि आप डिफरेंट केस स्टडीज से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। पहली बुक है मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट, 11th एडिशन है, बाय जेफरी हॉफर। ये बुक आपको अवेलेबल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बुक भी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लें, और जैसे जैसे लेक्चर आपके प्रोसीड होते हैं आप इन बुक से मटेरियल्स को पढ़ते रहें। दूसरी बुक है आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड मैनेजमेंट, 4th एडिशन बाय थॉमस कुनाले। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, जेफरी हॉफर की बुक के अंदर अच्छी केस स्टडीज़ हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय थॉमस कुनाले इस बुक के अंदर भी डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी एलैबोरेट करके बताया गया है। तो आई रिकमेंड कीजिए आप इन दोनों बुक्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें, और जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड हो आप इन बुक से टेक्स्ट पढ़ते रहें और उसको अंडरस्टैंड करते रहें। ग्रेडिंग स्कीम, ऑफलाइन पहले लेक्चर्स चल रहे थे तो उसमें आपकी ग्रेडिंग स्कीम डिसाइडेड थी, जिसमें S1, S2, फाइनल असाइनमेंट क्विजेस के, लेकिन अब ऑनलाइन
आपके लेक्चर्स हैं, तो ऑनलाइन के लिए ग्रेडिंग स्कीम अभी डिसाइडेड, कुछ डिसाइडेड है कुछ नहीं डिसाइडेड। फेज़ वन में आप लोगों ने कुछ कोर्सेज को पढ़ा, उसमें इसकी ग्रेडिंग स्कीम आप लोगों के सामने थी। फेज़ टू में अब ये कोर्स ऑफर हो रहा है, तो कुछ अरसे बाद आपको ग्रेडिंग स्कीम आपके कंसर्न टीचर्स बता देंगे कि ग्रेडिंग स्कीम क्या है। सो अभी ग्रेडिंग स्कीम डिसाइड नहीं हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहली डेफिनेशन से, जो डेफिनेशन है डेटाबेस। डेटाबेस अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा डिजाइन टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन नीड्स। अच्छा बच्चों, इस डेफिनेशन के अंदर मेनली दो चीज़ें हाईलाइट हैं, एक शेयर्ड हाईलाइट है, एक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लॉजिकली रिलेटेड डेटा। अच्छा, शेयर्ड कलेक्शन क्या है? कि डेटा एक जगह पर पड़ा हुआ है और जिस भी एप्लीकेशन को चाहिए वो उस डेटा को वहां से एक्सेस करना। अच्छा, एप्लीकेशन का क्या मतलब है और ये शेयर्ड का क्या मतलब? मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से बैठ के सीजू ऑनलाइन यूज करते हैं, आपने वेब पे सीजू ऑनलाइन को लॉगिन किया। अब डेटा तो आपके पास नहीं है ना, आपने तो एक एप्लीकेशन ओपन की हुई है, वेब एप्लीकेशन, आपने उसको ओपन किया और उसमें लॉगिन दिया और वो किसी सर्वर, वो सर्वर में भी इस्लामाबाद पड़ा हुआ है या लाहौर पड़ा हुआ है, उससे कनेक्ट होता है और वहाँ से डेटा आपको मिल जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पर बैठे हुए खोला तो मुझे अलहदा से डेटा नहीं मेंटेन करना पड़ रहा, वही एक शेयर्ड डेटा है जो कि मुझे भी। तो शेयर्ड का ये कॉन्सेप्ट है कि जो डेटा है वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। और एप्लीकेशन का मतलब बेटा ये होता है कि वो प्रोग्राम जिसके थ्रू आप उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जाते हैं। शेयर्ड का कॉन्सेप्ट आपको दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा ओपन हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मतलब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, कि जब डेटाबेसेस नहीं थे तो उस वक्त डेटा को कैसे स्टोर किया जाता था, ये शेयर्ड कलेक्शन। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो आपकी हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा कुछ ऑर्डिनरी डेफिनेशन ये है कि जो अनप्रोसेस्ड रिकॉर्ड्स हैं वो डेटा है, जिस पे कोई प्रोसेसिंग कर लेते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। हाँ, ये किसी हद तक ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। एक और डेफिनेशन ये है कि वो चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड है वो डेटा है, वो चीज़ जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो डेटा है, और वो चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड है वो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, डेटा और इंफॉर्मेशन में आप लोगों को डिफरेंट कोर्सेज के अंदर डिफरेंस बताया जाएगा, जिसमें जब आप एनालिटिक्स की बात करेंगे, डेटा वेयरहाउस का कोर्स पढ़ेंगे, डेटा माइनिंग का कोर्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम उससे कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, कोई यूजफुल डेटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन देंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। सो डेटा पे जब भी कोई प्रोसेसिंग की जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स, तो वो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। सो डेटा बेस के अकॉर्डिंगली मैं आपको सिंपली यही बताऊंगा कि वो चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वो डेटा है, जब आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन बनेगा। सो इट मीन्स कि आप डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, शेयर्ड डेटा को, और वो आपके लिए इंफॉर्मेशन की फॉर्म में अवेलेबल होगा। अच्छा, जो इसमें मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉजिकल रिलेटेड डेटा। ये लॉजिकल रिलेशन क्या है? देखो बच्चों, डेटाबेस जो होता है उसके अंदर डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब कनेक्शन से क्या मतलब है कि फॉर इंस्टेंस मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए जाता हूँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कॉमसेट्स पर बना लेते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि जी स्टूडेंट जो है कोर्स में रजिस्टर्ड होगा, टीचर को जो जो स्टूडेंट्स उस कोर्स में रजिस्टर्ड होंगे उसके नज़र आएंगे और वो उसके एग्ज़ाम, उसके असाइनमेंट्स, उसके मार्क्स करेगा और फाइनली उसके रिजल्ट्स उसमें मैनेज करेगा। और स्टूडेंट्स को भी टाइम बाय टाइम उसने अटेंडेंस किया है, उसके मार्क्स, वो चीज़ें नज़र आती रहेंगी। अब मैं कहूँ कि जी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं और उसके अंदर जो है आप डाइवो के जो पैसेंजर्स हैं उसका भी रिकॉर्ड साथ रख लें, तो एक लॉजिकल सेंस नहीं बनती कि
भाई जो सिस्टम है वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो शायद एक बस रिजर्वेशन सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर हम जो डाइवो का होगा कि पैसेंजर्स जो ट्रैवल करते हैं उनका रिकॉर्ड रखेंगे। सो लॉजिक के रिलेशन का मतलब ये है कि जो डेटा होगा आपका एक सिस्टम के अंदर वो उसी सिस्टम से रिलेटेड होगा बस। हाँ, डाइवो के पैसेंजर का जो डेटा है वो जहाँ पर उन्होंने पैसेंजर और रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, पैसेंजर का रिकॉर्ड स्टोर करना है वहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, उससे रिलेटेड नहीं है। सो हमने कंक्लूड किया इस डेफिनेशन से कि डेटाबेस के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशलाइज्ड डेटा, तो स्पेशलाइज्ड डेटा से मतलब जो उसी एंटरप्राइज से रिलेटेड होगा और वो लॉजिकल रिलेटेड होगा और वो शेयर्ड कलेक्शन होगा, और डिजाइन टू मीट दी इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं उसको वो फुलफिल करेगा। इंफॉर्मेशन नीड्स क्या होती हैं भाई, मुझे आज पता चल जाना चाहिए कि मेरे कितने स्टूडेंट्स ने क्लास पढ़ी कितने ने नहीं पढ़ी, तो वो मुझे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। भाई आज मैंने एक असाइनमेंट दी थी, कितने बच्चों ने वो असाइनमेंट सबमिट करवाई मुझे वो पता चल जाएगा। अगर एचओडी ये जानना चाहेगा कि जी कितने टीचर्स ने कितनी क्लासेस पढ़ा ली हैं, तो वो उस रिकॉर्ड से देखे। सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी एक मैनेज्ड रिपोजिटरी से पॉसिबल है। अब रिपोजिटरी, एक नई मैंने टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, रिपोजिटरी। देखो बच्चों, जो डेटा की कलेक्शन होती है उसको हम रिपोजिटरी कहते हैं। कलेक्शन का क्या मतलब भाई, ये जो सारे का सारा डेटा है ये आप किसी जगह पर स्टोर करें, किसी जगह पर रख देंगे, और वहां से क्या होगा, एप्लीकेशन उसे एक्सेस करें। अच्छा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से क्या मतलब कि भाई डेटा तो आपने स्टोर कर दिया, आप डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे? डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई आप जो है एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा। वो एप्लीकेशन पेरोल की हो सकती है, वो कस्टमर की ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री का डेटा हो सकता है, और वो एप्लीकेशंस या वो रिकॉर्ड सारे के सारे सेंट्रल रिपोजिटरी में पड़े होंगे और वहाँ से वो एप्लीकेशंस देंगे। तो इस डेफिनेशन से हमने ये समझा कि अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड जो डेटा है या रिकॉर्ड्स हैं वो आपका डेटाबेस है। बहुत सारे बच्चे इसमें सिंपल इतनी डेफिनेशन बता देते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर आप कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ लॉजिकली रिलेटेड ऐड कर लें तो आपकी डेफिनेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर आप सिंपली ये कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो डेटाबेस के अलावा एक और टर्म भी बन सकती है, लेकिन डेटाबेस के लिए स्पेसिफिकली आपके पास है कि जी वो लॉजिकली रिलेटेड है। सो लॉजिकली रिलेटेड नहीं है तो वो डेटाबेस नहीं है, वो कलेक्शन हो सकती है रिकॉर्ड्स की, वो डेटाबेस नहीं हो सकता। ये जो सारे का सारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस आप मेंटेन्ड करते हैं किसी एक सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम हम आगे देखेंगे कि जी किस सिस्टम के थ्रू आप डेटा को मैनेज करते हैं। ये जो डेटा मैनेज होता है इसके लिए सेकंड सेकंड चीज़ है सिस्टम के कैटलॉग्स, मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट द डेटा। अगले लेक्चर्स में हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि जी मेटा डेटा क्यों ज़रूरी है, ये डेटा की डिस्क्रिप्शन बताता है और डेटा की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। अभी इतना इस स्लाइड के लिए कि भाई डेटा की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपके लिए ज़रूरी है कि ये जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो लॉजिकल रिलेटेड डेटा है, मतलब अब आपसे मैं एक बात पूछूं कि जी डेटा आपने डेटाबेस में स्टोर करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स हैं, उनकी असाइनमेंट्स हैं, उनके अटेंडेंसेस हैं, तो किस तरीके से आप टेक्निकली या डेटाबेस की टर्म में उसको सेव करेंगे? तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, एंटिटीज, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है, तो आपका जवाब होगा एंटिटीज, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप से।
सो मैं अगर इससे सारे को कंक्लूड करूँ तो मैं ऐसा बताऊँगा कि अशेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास डेटाबेस है, और डेटाबेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसके सिस्टम कैटलॉग है, मेटा डेटा है, उसके बगैर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये क्या है ये हम आगे देखेंगे। और ये जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है ये इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। अब ये कुछ सारे का सारा काम है, क्या ये आप खुद करेंगे? मतलब काम का क्या मतलब है कि भाई आपने डेटा को करना है, आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो उसके लिए अच्छा बच्चों बात हम ये कर रहे थे कि क्या ये सारे का सारा जो डेटाबेस मैनेज करना है ये आप खुद करेंगे? सो इट मीन नहीं, इसके लिए अवेलेबल हैं आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं? जो कि डिफाइन, क्रिएट, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ डेटाबेस के लिए यूज़ होते हैं। मतलब ये कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज़ करके आप डेटाबेस को डिफाइन भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं और उसकी एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट वेंडर्स ने डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस बनाए हुए हैं, जिसमें से एक जो डेटाबेस है उसकी मैं लिस्ट आपके सामने शेयर करता हूँ। ये अगर आप वेब सोर्स देखें तो ये वेब सोर्स है जिसके अंदर उन्होंने मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम्स की लिस्ट दी हुई है। अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे ओरेकल DBMS। ओरेकल एक कंपनी है, इन्होंने एक DBMS बनाया हुआ है, इसका नाम उन्होंने RDBMS रखा हुआ है। IBM एक और कंपनी है, इन्होंने DB2 के नाम से एक और डेटाबेस बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, SAP ऐसी कंपनी है, इन्होंने अपना एक ब्रांड नेम बनाया हुआ है SQL सर्वर। SAP ने साइबेस के नाम से टेरा डेटा, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SQLite, PostgreSQL, MongoDB और भी डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें से PHP MyAdmin है आपके पास, Hadoop है आपके पास, MariaDB है आपके पास। सो ये डिफरेंट आपके पास डेटाबेसेस हैं। अच्छा अब द क्वेश्चन कि जी आप किस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे? ये आपके पास Oracle है। सबसे पहली जो चीज़ आप देखेंगे कि Oracle जो है ये क्या चीज़ है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या है? रिलेशनल, पहली चीज़। मतलब आप जब भी आप देखने जाएंगे डेटाबेस को तो आप कहेंगे कि ये रिलेशनल है, नॉन रिलेशनल है, क्या है, पहली चीज़ आप ये देखेंगे। और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, ये विंडोज़ पे भी चल जाता है, लिनक्स पे भी चल जाता है, यूनिक्स पे भी चल जाता है, लिनक्स पे भी चल जाता है। ये कमर्शियल टूल है, मतलब फ्री अवेलेबल नहीं है, कमर्शियल टूल। ये इसकी वेबसाइट है, आप इसको अगर क्लिक करें तो यहाँ से आप इनके डिफरेंट फीचर्स भी देख सकते हैं कि जी इसका आजकल कौन सा वर्जन 12c, Oracle Database 12c के नाम से आपके पास अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। देखो बच्चों, जो DBMS है ना, हर DBMS दूसरे DBMS से विद रिस्पेक्ट टू कैपेबिलिटी डिफरेंट होता है। अब आप कहेंगे कि जी जिसकी हाई कैपेबिलिटी है, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ जी Oracle एक बहुत ही हाई कैपेबल DBMS है। हाई कैपेबल का मतलब क्या है कि भाई वो कितना साइज ऑफ डेटा है उसको सपोर्ट कर सकता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी इंडेक्सिंग कैसी है, उसकी ये स्टोरेज की टेक्निक्स कैसी हैं, सिक्योरिटी कैसी है, ये डिफरेंट फीचर्स हैं। किस प्लेटफॉर्म से उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, ये डिफरेंट उसके फीचर्स हैं, उनकी बेस पे हम जो है वो डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ जो एक मेजर कंपोनेंट है वो ये है कि जी कॉस्ट कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या आप इतनी कॉस्ट पे कर सकते हैं उसको परचेज करने के। दूसरी बात ये है कि जी क्या आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपने बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना है या आपने थोड़ा सा डेटा स्टोर करना है, आपने कितना सिक्योर डेटा करना है, आप कितना रिसोर्सेज है, और क्या आपके पास डिवेलपर्स जो हैं वो इस लेवल के हैं। तो इस बेस पे आप किसी भी DBMS को सिलेक्ट करें। IBM का DB2 है, इसके लिए भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये कब रिलीज़ हुआ, 1983 में रिलीज़ हुआ, इसके विंडो, यूनिक्स, लिनक्स वर्जन अवेलेबल हैं, और ये भी एक कमर्शियल है।
माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, 1989 में ये रिलीज़ हुआ पहला, और इसका लास्ट अपडेटेड वर्जन है 2016 में आया हुआ है। लैंग्वेज जिसमें यूज़ किया गया, असेंबली, लिनक्स, सी प्लस प्लस फॉर राइटिंग, और लिनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। कंपैटिबल है विद ओरेकल के साथ, कंपैटिबल है, और इट इज़ आल्सो कमर्शियल टूल। सैप है, सैप का साइबेस है, इसके अपने फीचर्स हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएँ, टेरा डाटा 1979 में स्टार्ट हुआ, ये भी एक कमर्शियल टूल है। ADA BS ये कोर डेटा, MySQL बड़ा कॉमनली यूज होता है, और इसके अलावा डिफरेंट आपके पास जो है वो अवेलेबल डिप्लोमेंस। SQLite है, ओपन सोर्स है, और आजकल काफ़ी पॉपुलैरिटी ले रहा है ये। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है, पोस्टग्रे है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है, इसके अलावा अमेजॉन RDS है, MongoDB है, NoSQL है, ओपन सोर्स है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब DBMS का अगर हम देखें कि जी DBMS काम कैसे करते हैं, तो मैं एक डायग्राम से आपको इसकी वर्किंग सारी एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारे पास जो स्क्रीन में डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, इन कंपोनेंट में सबसे जो पहला कंपोनेंट है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये डेटाबेस है, ये। अब डेटाबेस इसका ये कंपोनेंट है जहाँ पर उसका डेटा स्टोर हुआ हुआ। उसके बाद ये एक सॉफ्टवेयर है, ये जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, हमने इसमें SQL सर्वर को देखा, MySQL को देखा, और डिफरेंट हमने इसमें टूल्स को देखा कि IBM वालों ने भी बनाया हुआ है, टेरा डाटा वालों ने भी बनाया। ये वो DBMS है। अब DBMS क्या करता है, ये DBMS, ये वाला DBMS और ये डेटाबेस, ये यूजर नहीं करता। DBMS खुद डेटा को स्टोर भी करता है, डेटा को रिट्राइव भी करता है। अभी मैंने एक बात की थी, अगर आपको याद हो तो इस स्लाइड के अंदर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किया था आप लोगों से, ये वाला लॉजिकली रिलेटेड डेटा कंप्राइज ऑफ एंटिटीज एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। अगर मैं कहूं कि ये क्या है, इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं स्कीमा, स्कीमा। अब ये देखें, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, प्राइवेट ऑनर, क्लाइंट और लीज, ये बेसिकली स्कीमा है। वो एंटिटीज एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप की जो बात हो रही थी, वो स्कीमा है। मैं अभी आपको कुछ डिटेल में नहीं बता रहा, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, के ये स्कीमा होते हैं जो यूजर क्रिएट करता है। अब यूजर DBMS को बताता है ये स्कीमा है। स्कीमा का मतलब स्कीमेटिक्स, कि जी इसकी स्कीम क्या है, ये ऑर्गेनाइज कैसे होना है, ठीक है। अब हम ये देंगे DBMS में, जो जिसको मैं डिप्लॉयमेंट का नाम दे रहा था, वो डिप्लॉयमेंट जो है DBMS के अंदर हम स्कीमा की करेंगे, और DBMS खुद उस स्कीमा के बेस पे, स्कीमा की बेस पे, मतलब जो बेस लाइन है वो आपकी स्कीमा है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर कोई एक एंटरप्राइज है जो प्रॉपर्टी लीज करती है डिफरेंट क्लाइंट्स को, तो उसकी जो एक सिस्टम की पूरी मॉडलिंग है वो स्कीमा में की गई है। ये जो आपको नीचे मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाया था, इसमें पहली चीज़ आपके पास है प्रॉपर्टी फॉर रेंट, दूसरी चीज़ है प्राइवेट ऑनर, तीसरी चीज़ है क्लाइंट, चौथी चीज़ है लीज। अब मैं इसको चीज़ कह रहा हूँ, फ्यूचर में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर्स में कि ये चीज़ क्या है। अभी आप ये समझे कि ये चार आपके पास जो है, ये एक स्कीमा है। स्कीमा किस चीज़ का स्कीमा, कोई एक एंटरप्राइजेस का स्कीमा है। अब DBMS को हम बता देते हैं कि भाई हमारा डाटा तुमने इस स्कीमा के मुताबिक, अगर आप इस स्कीमा को ये समझे कि ये क्या है, स्कीमेटिक्स हैं। किस चीज़ के स्कीमेटिक्स हैं, डेटा की, कि भाई डेटा आपका जो स्टोर होना है, जो डेटा ऑर्गेनाइज होना है, वो इसकी बेस पे होना है, ये स्कीमेटिक है। अब ये कैसे बनती है, ये जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि इस कोर्स का मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने डेटाबेस को मॉडल करना है, तो ये डेटाबेस की मॉडल है।
अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर होगा, सीक्वल सर्वर है, MySQL है, आपके पास SQLite है, आपके पास MariaDB है, आपके पास जो है PHP MyAdmin है, कोई भी आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर आप स्कीमा डिप्लॉय करेंगे और उस स्कीमा के थ्रू डेटा स्टोर हो, ये काम यूज़र करेगा। अब यहाँ तक काम नहीं होता, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बाद में यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए, भाई यूज़र जो है वो टेक्निकल नहीं है तो वो ऑल टाइम सीक्वल सर्वर पे बैठ के क्यूरीज नहीं लिख सकता, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप एप्लीकेशन बनाते हैं। अब ये एप्लीकेशन जो होता है ये आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस फॉर इंस्टेंस जावा में आप बना लेते हैं, सी शार्प में बना लेते हैं, या अगर आप वेब यूज़ कर रहे हैं तो PHP में आप बना लेंगे, ठीक है। सो यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं जिसकी कोडिंग आप खुद करेंगे। अब वो एप्लीकेशन जो होती है वो एप्लीकेशन आपकी DBMS से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और आगे ये जो जहाँ पर ये सेल्स लिखना था ये लिखा हुआ है नीचे, ये कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है। यूज़र अब जो कनेक्ट होता है वो डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता। अब इसमें दो कैटेगरीज आ गई, एक यूज़र आ गया एक एडमिन आ गया। हमेशा डेटाबेस से आपका एडमिन कनेक्ट होगा और वो ही डेटा को क्रिएट मेंटेन्ड और उसकी एक्सेस कंट्रोल करेगा। यूज़र सिर्फ और सिर्फ उसमें डेटा एंट्री करता है और रिपोर्ट्स देखता है, ये लिखा होगा डेटा एंट्री एंड रिपोर्ट्स। डेटा एंट्री, डेटा एंट्री का मतलब ये है कि जी जैसे आप POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं तो आपकी कोई एक ग्रॉसरी स्टोर है उसके पॉइंट ऑफ सेल पे बैठा हुआ जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो सिंपल ये करता है कि जो जो प्रोडक्ट वो बंदा परचेज करके जा रहा है उसकी किस किस प्राइस पे उसने उसे सेल किया वो रिकॉर्ड करेगा, और रिपोर्ट्स ये देखेगा कि आज कितनी प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, कितनी प्रोडक्ट सेल होगी। तो ये चीज़ें आपकी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगी। एप्लीकेशंस कहाँ से कनेक्टेड होती हैं, डेटाबेस से। तो ये आपके पास एक सिंपल सिनेरियो था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि जी DBMS क्या है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है और वो डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उसको हम एक स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक एंटरप्राइज का डेटा का ऑर्गेनाइजेशन का पूरे का पूरा मॉडल होता है, स्कीमेटिक्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप किस किस तरीके से डेटा को स्टोर करेंगे ये यूज़र मेड होता है, यूज़र खुद बनाता है। और फिर वो क्या करता है उसको DBMS में डिप्लॉय करके किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई एक प्रोग्राम बनाता है। उस प्रोग्राम में दो ऑपरेशन होते हैं, डेटा एंट्री होती है और रिपोर्टिंग होती है, और वो यूज़र उससे कनेक्ट हो जाए। ये सारे का सारा DBMS एनवायरनमेंट है। तो अब मैं दोबारा से इस सारे सिस्टम को आपके सामने कंक्लूड कर रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, आपके पास अभी मैंने बात की थी शेयर्ड कलेक्शन की, तो शेयर्ड कलेक्शन में ये डेटा एंड उसकी डेफिनेशन, डेटा एंड द डेफिनेशन ऑफ डेटा, ये सेंट्रल रिपोजिटरी हो। अब इस सेंट्रल रिपोजिटरी से आपकी सेपरेशन है, और यहाँ पर ये मैंने एक लाइन लगाई हुई है सेपरेशन लिखा हुआ भी है सेपरेशन। अब यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन होते हैं, ये जो आपके पास एक टर्मिनल नज़र आ रहा है ये आपके पास एप्लीकेशन है। सो डेटा आप एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रखते हैं और हर वो एप्लीकेशन जिसको डेटा चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए या उसे रिपोर्ट्स लेने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा की रिपोर्ट्स लेने के लिए, वो उसे कनेक्ट करेगा और डेटा को शो कर देगा। सो डेफिनेशन को अगेन हम समझते हैं कि अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा जिसको मैंने बताया कि उसका मेटा डेटा है, डेटा की डेफिनेशन है। सो कोई भी डेटा बगैर डेफिनेशन के डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, कोई भी डेटा बगैर डेफिनेशन के स्टोर नहीं होता। अच्छा, अब डेफिनेशंस का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। डेफिनेशन का मतलब ये है कि डेटा, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट का नाम,
एक स्ट्रिंग होगी, ये उसकी डेफिनेशन है। स्टूडेंट का रोल नंबर एक स्ट्रिंग होगी। अब कुछ जगहों पर स्ट्रिंग नहीं होती, फॉर इंस्टेंस वहां पर वो न्यूमेरिक लिखते हैं, तो वहां पर आप उसे न्यूमेरिक देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं, अगर आप मार्क्स को ऑब्टेंड मार्क्स उसको स्ट्रिंग कर देंगे, तो आप उस पर एग्रीगेट ऑपरेशन, एग्रीगेट ऑपरेशन का क्या मतलब, भाई कल को आप उस पर जीपीए नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। सो डेटा के साथ उसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मार्क्स स्टोर करने हैं तो मार्क्स आपका टेक्स्ट डेटा नहीं है, मार्क्स आपका न्यूमेरिक डेटा है। दो डेटा में आपको डिफरेंशिएट करना है, टेक्स्ट डेटा में और न्यूमेरिक डेटा में, कि भाई टेक्स्ट डेटा जो है उस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, जो आपके पास न्यूमेरिक डेटा है उस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, जीपीए कैलकुलेट करनी है, तो टेक्स्ट डेटा पे नहीं कर। सो इसीलिए डेटा के साथ डेटा की डेफिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आप डेटा के साथ उसकी डेफिनेशन को रॉन्ग इंटरप्रेट करेंगे, तो आपके लिए वो डेटाबेस जो है आगे फंक्शंस को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। अच्छा, अब ये जो डीबीएमएस है, इसके वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो कि रिलेटेड हैं ऑपरेशन से। कौन से ऑपरेशंस? तीन ऑपरेशंस वैसे हम कहते हैं कि जो डीबीएमएस के जो मेजर होते हैं। एक होता है कि आप उससे क्यूरी करते हैं, जिसमें से एक ऑपरेशन है क्यूरी करना। क्यूरी क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस परमिट्स स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप स्ट्रक्चर्स एंड डेटा कॉन्स्टेंट्स। डेटा टाइप्स, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आपने नाम स्टोर करना है, तो वो टेक्स्ट डेटा है, उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करो। मार्क्स आपका न्यूमेरिक डेटा है, उसको एज ए न्यूमेरिक डेटा स्टोर करो। स्ट्रक्चर क्या है उस डेटा का, कितनी उसकी फील्ड लेंथ है, कितना डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते, और डेटा भी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यह है कि भाई अगर एक रोल नंबर आ जाता है, फॉर इंस्टेंस FA18BCS007, अब वो रोल नंबर रिपीट नहीं होता है। ये कॉन्स्ट्रेंट है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन है कि भाई एक रोल नंबर अगर आप किसी स्टूडेंट को असाइन कर देते हैं तो दूसरे को असाइन नहीं कर सकते, ये डेटा की कॉन्स्ट्रेंट है। सो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कि क्रिएट करने के लिए यूज होती है। किसको क्रिएट करने के लिए? जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन है क्रिएट का, तो क्रिएट करने के लिए यूज होती है। तो क्रिएशन के लिए आपको डेटा टाइप्स जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर जरूरी है और कॉन्स्टेंट जरूरी है। दूसरी चीज है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। DML भी एक क्यूरी है, ये एक जर्नल इंक्वायरी है जो कि फैसिलिटेट करती है आप द डेटा। मतलब जनरल इंक्वायरी का मतलब यह है कि आपने डेटा को देखना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है। देखने का मतलब यह, मुझे वो सारे स्टूडेंट्स दिखा दो जिनके नंबर 50 से ऊपर हैं, तो मुझे उसको मैनिपुलेट करना है, मुझे उस पे से ये ऑपरेशन करना है रीड का, कि भाई मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाओ, मुझे वो स्टूडेंट्स दिखा दो जिनके 50 से नंबर ज्यादा है। और मैं कहता हूँ अपडेट करो कि एक स्टूडेंट था उसके मार्क्स मेरे से गलत एंटर हो गए हैं, भाई उसके मार्क्स को अपडेट कर दो, ठीक है। तीसरी चीज है डिलीट कर दो, कि यार ये रिकॉर्ड मेरे से मिस्टेकन हो गया या इसमें नया अपडेट आ गया है, तो इस रिकॉर्ड को डिलीट करके नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये दो ऑपरेशंस बड़े कॉमनली होते हैं डेटाबेसिस के। आपके लैब्स में, आपके जो लैब्स के लेक्चर्स होंगे उसके अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा आपका आज से ही, मतलब पहले दूसरे लेक्चर से ही ये स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें, कि जी कैसे आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पुराना, ये क्यूरी है, ये क्यूरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्रिएट टेबल आप करते हैं, ये क्यूरी है आपकी DDL की। डिलीट करते हैं, अपडेट, इसका सिंटैक्स है वो आपके लैब के टीचर आपको बताएंगे कि जी सिंटैक्स किस तरीके से DDL का डिफाइन होता है, DML का किस तरीके से डिफाइन होता है।
सबसे पहले जब आप करते हैं तो आप DDL का सिंटैक्स करते हैं, फिर आप DML पे आते हैं और DML को ही आप प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों इस कोर्स के अंदर जो लेक्चर स्लाइड्स हैं इसके अंदर हम ये पोर्शन जो क्यूरी का पोर्शन है ये कवर नहीं करेंगे, वो आपके लैब के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो आप उनके साथ उस चीज़ को कवर करेंगे। तीसरी जो चीज़ है कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस, इसको बाद जगहों पर DCL भी कहते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। इसमें ये है कि किसको किस डेटा पे एक्सेस देनी है और कितनी एक्सेस देनी है, इंटेग्रिटी ऑफ सिस्टम, कॉन्करेंसी ऑफ सिस्टम, रिकवरी ऑफ सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें डेटा की एक्सेस लेवल। अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि DBMS है, डिफरेंट DBMS है, एक माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, एक IBM ने बनाया हुआ है, एक SAP ने बनाया हुआ है, एक टेराडाटा ने बनाया हुआ है, ठीक है, AGSoft ने बनाया हुआ है। अब एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, उसका जर्नल जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी क्यूरी के थ्रू आपने उसे इंक्वायरी करनी है, वो क्यूरी DDL हो सकती है, DML होती है, DCL हो सकती है। बच्चों थोड़ा थोड़ा हर एक लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स में वेरिएशन है। अगर आप W3 स्कूल देखेंगे या W3 रिसोर्स देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सिंटैक्स है स्पेसिफिकली फॉर MySQL, ये सिंटैक्स है स्पेसिफिकली फॉर Oracle, ये सिंटैक्स है स्पेसिफिकली फॉर, तो ये जेनेरिक नहीं है, ये स्पेसिफाइड है। क्यूरी लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू टूल, विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड स्पेसिफाइड। अब कंट्रोल एक्सेस के लिए कुछ जो टूल्स हैं उन्होंने साथ ही साथ आपको इंटरफेस दिए हुए हैं, और कुछ टूल्स के अंदर आपको खुद क्यूरी से ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो ये सारे के सारे आपके लैपटॉप से रिलेटेड था कि आप DBMS को जब भी यूज़ करें, यूज़ करने के लिए आपको DDL, DML और DCL तीनों चीज़ें चाहिए। शायद लैब में आपकी DCL की क्यूरियाँ इतनी कवर नहीं कराई जाएंगी, लेकिन आई होप कि जी आप DCL की क्यूरियाँ भी कवर करें। ये इसका एक जनरल आर्किटेक्चर दिखा दिया गया है, अगर आप लोगों को मैं इसको दोबारा समझा दूँ तो आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये देखो बच्चों, ये आपके पास ये जो यहाँ पर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन की मैंने बात की थी कि यूज़र हैं, कोई और DBMS है तो वो भी डायरेक्ट DBMS से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, कोई यूज़र है, कोई एप्लीकेशन है, DBMS। अब DBMS के फंक्शंस क्या हैं, डिफाइन, रिकॉर्ड, क्यूरी, अपडेट, मैनेज डेटा, वो जो मैंने बताया था, डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन्ड, ये वो उसके फंक्शंस। अब DBMS खुद स्टोरेज करता है। अब स्टोरेज कैसे करते हैं, ये स्टोरेज के मॉडल्स हैं, ये हम जो अपना तीसरा लेक्चर होगा उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि एक डेटाबेस का स्टोरेज का मॉडल होता है रिलेशनल मॉडल होता है, दूसरा आपका हायरार्किकल मॉडल होता है, तीसरा फ्लैट होता है, चौथा ऑब्जेक्ट डेटाबेस। ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये DBMS अडॉप्ट करता है, ये भी हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर इतना था, मैं इसको दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया, हमने कवर ये किया कि डेटाबेस क्या है, आप लोगों को समझ आ गया, डेटाबेस है अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड रिकॉर्ड्स, शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड रिकॉर्ड। और ये जो डेटाबेसेस होते हैं ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो DBMS हैं, उनके थ्रू हम मैनेज करते हैं। हर DBMS में मैंने थोड़ा सा बताया कि वेरिएशन क्या है, DBMS जो है वो स्टोरेज के लिए भी डिफरेंट मॉडल्स को अडॉप्ट करते हैं, एक रिलेशनल मॉडल है, एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, एक आपका हायरार्किकल मॉडल है, ठीक है, वो DBMS खुद से अडॉप्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग DBMS में एक स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का मेथड होता है जो कि यूज़र क्रिएट करता है, मॉडल बनाता है इंटरप्राइज का, जो कि कंसिस्ट कर रहा होता है एंटिटीज, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप से, वो हम बना के DBMS को दे देते हैं, आगे DBMS खुद उस डेटा को फिजिकल स्टोरेज में मेंटेन करता है। कौन सा DBMS
यूज़ करना चाहिए, इस पे भी हमने इस लेक्चर में डिबेट की कि ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप के पास कॉस्ट कितनी पे कर सकते हैं। इन सारे पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि आपका ये डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। डेटा जो है आपका ऑर्गेनाइज्ड जो डेटा है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो आपके पास डेटा है। और डेटा किसी भी फॉर्म में आप मतलब इन द सेंस ऑफ रिकॉर्ड आप उसको स्टोर कर सकते हैं। सो बच्चों ये आज आपका लेक्चर था और होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अल्लाह।